ओके जी, 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो पार्ट हैं, हमने इनको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, एन पी आर इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन पी आर माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखें, सिंप्लीफाइड फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं राइट हैंड साइड कंसिडर करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है एन डॉट एन माइनस वन पी आर माइनस वन। ठीक है, देखिए इसमें एन एज इट इज क्योंकि मल्टीप्लाई और है, इसके ऊपर मैं परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। मतलब ये हमारे पास एन है और ये आर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। मतलब एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने और कुछ भी नहीं किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एन फैक्टोरियल एन एज इट इज एन माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो एन माइनस वन माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन फैक्टोरियल। अच्छा ये देखिए, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, एन और एन माइनस वन दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। छोटी वैल्यू अपने से एक बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, तो फैक्टोरियल बड़ी वैल्यू का पैक हो जाएगा, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस वन से कट गया, क्या वैल्यू बचेगी, एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखें ये फॉर्मूला नहीं होता एन पी आर का, एन पी आर इसे लिख सकते हैं, यही तो हमने प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड में। हेंस जिसका सेकंड पार्ट देखिएगा, अगेन लेफ्ट हैंड साइड हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड है एन माइनस वन पी आर, तो मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ जिसमें ये हमारे पास एन है और ये आर है, तो यह आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस आर एज इट इज। इसके ऊपर परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें ये एन है और ये आर है, तो यह आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एन माइनस वन होल फैक्टोरियल एज इट इज, एन माइनस वन माइनस आर होल फैक्टोरियल एज इट इज, क्योंकि कटिंग तो होनी नहीं तो ऐसे ही रहेगा, आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल भी एज इट इज डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स ओपन करें, एन माइनस वन माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन फैक्टोरियल। माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बॉक्स में एक चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि एक वैल्यू है एन माइनस आर, मैंने एन माइनस आर से छोटी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते थे, छोटी वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड टर्म में वन ऐड कर देते थे। मतलब एन माइनस सेकेंड टर्म में एन, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं, छोटी टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में वन ऐड करेंगे, मतलब आर में वन ऐड कर दें, तो ये हमारे पास इस ये वैल्यू इससे छोटी है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, एन माइनस आर अगर ब्रैकेट्स ओपन करूं एन माइनस आर माइनस वन। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ताकि आपको सवाल करने में थोड़ी सी आसानी हो, समझने में आसानी हो जाए। अब ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है, हमेशा हम बड़ी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के फैक्टोरियल के हमेशा हम बड़ी वैल्यू के फैक्टोरियल को छोटी वैल्यू के फैक्टोरियल के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ये देखें, ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू, मतलब बड़ी वैल्यू को मैं इससे एक छोटी वैल्यू के फैक्टोरियल के साथ लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, एन माइनस वन फैक्टोरियल भी एज इट इज। अब एन माइनस आर फैक्टोरियल है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर से छोटी वैल्यू क्या है, एन माइनस आर से छोटी वैल्यू क्या है, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। मतलब एन माइनस आर फैक्टोरियल को मैंने इससे एक छोटी वैल्यू के फैक्टोरियल के साथ लिख दी है। अब मैं करूँगा क्या, देखें
न्यूमिनेटर से एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है दोनों में से, और डिनोमिनेटर में से दोनों में से एन माइनस वन माइनस आर कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो बाकी वैल्यू क्या बचेगी, ये तो सारा कॉमन आ गया, इसकी जगह वन आ गया, प्लस यहाँ से एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ गया, आर बचेगा, और डिनोमिनेटर में एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आया, तो एन माइनस आर बचेगा हमारे पास, ठीक है। दोनों में से जो वैल्यूज कॉमन आ रही थी वो कॉमन नहीं, बाकी वैल्यू हमारे पास ये बचेगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाहर वाली वैल्यूज एज इट इज एन माइनस आर फैक्टोरियल ओवर एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज इनटू, इसका एलसीएम लेंगे तो एन माइनस आर एज इट इज, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ इसका इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो माइनस आर प्लस आर से कैंसिल, एन ओवर एन माइनस आर, अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इनको, तो ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये एन मल्टीप्लाई हो गया ना, एन को मैंने पहले लिख दिया क्योंकि एन बड़ी वैल्यू है, डिवाइडेड बाय एन माइनस आर इंटू एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल, अगेन इसको मैंने पहले लिख दिया क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है और इससे एक कम ये वैल्यू है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कोई भी फैक्टोरियल अपनी बड़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, कंजेक्टिव बड़ी वैल्यू, कंजेक्टिव ग्रेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हमेशा फैक्टोरियल बड़ी वैल्यू का पैक होता है, मतलब एन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल ये आपके पास बड़ी वैल्यू है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये है एन माइनस वन, यहाँ पे एन माइनस वन आएगा, एन माइनस वन, अब देखिए एन इंटू एन माइनस वन, ये एन बड़ी वैल्यू है तो फैक्टोरियल हमेशा बड़ी वैल्यू का पैक हो जाएगा, ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें अभी हमने डिस्कस किया था कि एन माइनस आर बड़ी वैल्यू और इससे छोटी वैल्यू क्या है, एन माइनस आर माइनस वन, तो छोटी वैल्यू का फैक्टोरियल अपने से एक बड़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका भी फैक्टोरियल किसका पैक होगा, बड़ी वैल्यू का फैक्टोरियल। तो गेन ये फॉर्मूला नहीं है हमारे पास एन पी आर का, तो इसकी जगह हम एन पी आर लिख सकते हैं, और यही हमने प्रूव करना था।